110 साल पुरानी गाड़ी है। पूरा पूरा हो गया, पूरा पूरा 110 साल क्रैंकिंग से स्टार्ट होता है ये वाला। बैटरी से चलेगी तो नहीं चलेगी? बैटरी से नहीं चलेगी, गियर बॉक्स नहीं रहता इसको। अच्छा, चेन सिस्टम मैनुअल पूरा। अच्छा, पूरा चेन सिस्टम वो छोड़ के। 57वां जो स्टेटमेंट शो हुआ है विंटेज कार रैली शो में, उसका जो फर्स्ट प्राइज विनर रही वो ये वाली गाड़ी रही है। इस गाड़ी की जो बात करेंगे हम, ये पुराने टाइम का फायर ब्रिगेड व्हीकल है। अगर हम इसकी डिटेल में बात करें, हम मिलते हैं इसके सीनियर मैकेनिक से और ये हमें डिटेल बताएंगे पूरी। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है संतोष कुमार, मैं हैदराबाद से हूँ, मैं रेलवे कर्मचारी हूँ। ये गाड़ी है 1914 की, 110 साल पूरा हो गया। अच्छा, ये गाड़ी के लिए 110 साल पुरानी गाड़ी है। पूरा हो गया, पूरा 110 साल। अभी सारी दुनिया में 4 गाड़ी बनी हुई थी मैनचेस्टर, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड से। उसके बाद में जो है एक स्कॉटलैंड में है म्यूजियम में, वो नहीं चलती। बाकी का 2 गाड़ी के बारे में पता नहीं है, पर ये गाड़ी फिलहाल चल रहा है, अभी भी प्रेजेंट रनिंग कंडीशन में है। तो अभी ये गाड़ी रहता है नेशनल रेल म्यूजियम अपने NRM मोतीबाग। अच्छा, यही दिल्ली में रहता है। तो इस पे आगे लिखा निजाम स्टेट, ये निजाम ने उसका हैदराबाद अलग भी था स्टेट। हाँ, निजाम स्टेट था, ठीक है। उसी का भी रेलवे था, उसी का ही रेलवे था खुद। अच्छा, निजाम की खुद की रेलवे थी। उसके बारे में ये गाड़ी खरीदा था वो आग बुझाने के लिए। जब खरीदा था वो कंटिन्यू में, अभी गवर्नमेंट के अंडर हो गया, ये रेलवे के अंडर भी हो गया समझो। उसके साथ साथ ने रिस्टोर किया ये विंटेज में। ये रिस्टोर आपने किए? नहीं, हमारा ऑफिसर चेयरमैन मेंबर मैकेनिक यशवाल गुप्ता करके 1981 में रिस्टोर किया गया विंटेज कार्यालय में। नाइस। जब से कंटिन्यू चल रहा है, अब से जब से कंटिन्यू फर्स्ट प्राइज मारता है, ये सारी दुनिया में पुरानी गाड़ी यही है। कितनी बार फर्स्ट प्राइज ले चुका है? ये 2-3 बार मिस हो गया सेकंड प्राइज में, बाकी पूरा फर्स्ट प्राइज। ये पूरा लग भी रही है ये फर्स्ट प्राइज बनता भी इसका। दुदुलिया गया। इंटीरियर बताओगे आप क्या रहता है? बता, सुनो इधर आओ फ्रंट से। ये है, बताओ। ये पहली बात, ये पेट्रोल इंजन है, ठीक है। ये क्रैंकिंग से स्टार्ट होता है, ये वाला हैंडल है जैसे जनरेटर में। बस ये वाला, ठीक है। ये जनरेटर है, ये मैग्नेटो से लाइट चलता है पूरा। मैग्नेट से क्या बात है। हाँ, ये पूरा पेट्रोल इंजन है। पावर का इंजन यहाँ पे अंदर रहता है, वो पावर प्लग रहता है उसको। एक बैटरी से स्टार्ट होता है, बाद में मैग्नेट से कंटिन्यू होता है गाड़ी चलने का। बैटरी से चलेगी तो नहीं चलेगी? बैटरी से नहीं चलेगी, मैग्नेटो से चलेगी, वो जमाने की मैग्नेट है। अच्छा। हाँ, बाद में ये हो गया, ये पूरा मैनुअल हो गया। अच्छा, ये मैनुअल सिस्टम? मैनुअल सिस्टम है। ये हॉर्न हो गया? हॉर्न हो गया, ठीक है। बाद में गियर सिस्टम हो गया, ये रिवर्स गियर हो गया, ये हैंड ब्रेक हो गया। ये पूरा है ना, गियर बॉक्स नहीं रहता इसको। अच्छा, चेन सिस्टम मैनुअल पूरा। अच्छा, पूरा चेन सिस्टम वो छोड़ के। ये सॉलिड रबर टायर है, ये सॉलिड रबर टायर है। बस इसके नीचे हो गया पंप। ये अच्छा, ये पानी के लिए? ये पानी के लिए पंप। उस जमाने में पूरा पंप ये जॉइंट करके पानी में से निकालना, ये मशीन रख के पूरा बुझाना इधर से कनेक्ट करके। बस और पानी के लिए ये वाला टैंक? नहीं, वो पूरा अलग कनेक्ट होगा इधर से अलग टैंक है इसको। ये लगकर आता है तो ये वाले में क्या रखते हैं? इसमें पूरा हेलमेट है, सेफ्टी। अच्छा, सेफ्टी आइटम वगैरह, ये वाला सेफ्टी आइटम ऐसा है। ये चीज दिखाओ, ये देखो भाई, इस पे लिखा हुआ है HEH द निजाम गारंटी स्टेट रेलवे। ये इसका कुछ पुराना हेलमेट ऐसा है, देखो। फोटो लेना है तो ले सकते हैं। बिल्कुल। अरे क्या बात है, इसमें बहुत अच्छे लग रहे हो। बस थैंक यू भाई, ठीक है। ये हो गया बात ऐसा, आगे जाएंगे। उसके बाद में ये ले लो, ये भी ले लो, ये रिस्टोर कब किया है ये पूरा मालूम। अच्छा, ये डिटेल है, पूरा डिटेल तो ये है। मॉरिस बेलसाइज जो कंपनी है, 1914 है। रिस्टोर भाई मिस्टर यशवाल गुप्ता, JDME रेलवे बोर्ड इन 1981 अवार्ड तीरवा शील्ड फॉर बेस्ट रिस्टोर्ड व्हीकल इन द ईयर। बनता भी है भाई, ये वाला व्हीकल मिलेगा नहीं। अब इधर बता दो, इधर ये क्या क्या? ये है अवेलेबल, रास्ते में कोई अटक ना आए, पब्लिक हट जाए बस, ठीक है। और ये वाटर प्रेशर, ये वाला वाटर प्रेशर पंप है, ठीक है। बस और उसके बगल में, इसके बगल में वो मतलब है कि एडवांस रेटेड का है इंजन का, ठीक है। और ये वाले स्विच तो वैसे पुराने बिजली के, ये वाला ऑयल वाला है, ये ऑयल के हो गए, ये पूरा स्विचेस है। तो ये वाले स्विच तो वैसे लग रहे थे पुराने बिजली के। बस वही है, वही सेम वैसे ही लग रहे हैं। और ये स्टीयरिंग व्हील हो गया, और ये अपना ब्रेक। बस तो ये इसका ऑपरेशनल पूरा सिस्टम ऐसा है, बहुत बढ़िया। और ये लीजिए जी ट्रॉफी, ये है इंडियन स्टाइल की। ये देखिए जी ट्रॉफी, ये है इस साल की इंडियन ऑयल हेरिटेज प्रिजर्वेशन ट्रॉफी, और 2024 में ये वाली गाड़ी ने जीती है, देख लो ट्रॉफी। ये देखिए जी, ये इस साल का इनाम जाता है विंटेज कार का इस वाली गाड़ी को। देख रहे हो कितनी पुरानी है ये गाड़ी भाई, बहुत ही ज़्यादा पुरानी गाड़ी है। और निजाम ने अपने लिए स्पेशली बनाई थी ये गाड़ी अपने टाइम पे।
अब ये रेल म्यूजियम में आ गई है, तो भाई परफेक्टली मेंटेन और तरीके से रखी हुई गाड़ी है। आपको कैसी लग रही है जरा कमेंट बॉक्स में बताओ, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं ऐसी किसी तगड़ी कार बाइक वीडियो में, तब तक के लिए आदाब नमस्ते, बाय बाय, सत श्री अकाल, राम राम।